लास्ट में ये बात जानना चाहूंगी डॉक्टर साहब कि जब भी हमारी रिपोर्ट पॉजिटिव से नेगेटिव आ जाती है जी तो उस वक्त हम अपनी लाइफ को किस तरीके से लीड करें, क्योंकि जब नेगेटिव आने के बाद भी आपने देखा है कि जो इंसान होता है वो कब अपनी सोशल लाइफ को नॉर्मली जी सकता है, लोगों के बीच में जा सकता है और किस तरह से वो लोगों के लिए नॉर्मली सर्वाइव कर सकता है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि सपोज नेगेटिव रिपोर्ट आ चुकी है, अब मुझे अपने घर से बाहर कब जाना चाहिए, कब मुझे लोगों से मिलना चाहिए? दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन वर्तिका, आई मस्ट से, और ये बहुत अहम सवाल है और इसको समझना बहुत जरूरी है। तीन चीजें जी होती हैं, एक हाँ जी आइसोलेशन, एक क्वारंटीन और एक नॉर्मल, जिसको ठीक आप है कह सकते हैं। जी आइसोलेशन होता है इन्फेक्टेड आदमी का, ओके जिसको कोविड पॉजिटिव होता है। क्वारंटीन होता है उस आदमी का जो पॉजिटिव नहीं होता है, पोटेंशियली इन्फेक्टिव होता ओके है। पॉजिटिव नहीं होता है लेकिन पोटेंशियली इन्फेक्टिव होता है, उस पे शक होता है, उसके ऊपर शुबा है कि ये इन्फेक्टेड हो सकता है। जी तो जो क्वारंटीन में जो आदमी होता है, अब ये इसको भी समझना बहुत जरूरी है, पॉजिटिव और नेगेटिव को ज़्यादा आप डिफरेंशिएट मत करिए, डोंट डोंट डिफरेंशिएट बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है पॉजिटिव आदमी को तो कभी भी बाहर नहीं जाना है, हाँ नेगेटिव आदमी तब बाहर जा सकता है जब वो कम से कम 3 वीक उसको पॉजिटिव आने के बाद निकल गए हो, अच्छा ओके और वो एकदम एसिम्टोमेटिक हो। एसिम्टोमेटिक का मतलब उसको फीवर नहीं है, खांसी नहीं है, सांस नहीं है, कोई भी तकलीफ ओके नहीं अच्छा है, तो वो बाहर ठीक जा है सकता है मास्क लगा के, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके, ओके ठीक है नो टच, नो हैंडशेक, छः फीट की दूरी, अच्छा ठीक है ये नहीं होनी चाहिए मजबूरी, ये बस अच्छा एकदम डिसिप्लिन होना चाहिए। ठीक है तो जो नॉर्मल लोग हैं वो उनके कांटेक्ट में डिस्टेंस के साथ आ सकते हैं। बिल्कुल आ सकते हैं, और इसको ऐसे सोचिए जरा, बहुत सारे लोग अपनी दुनिया में एसिम्टोमेटिक कैरियर्स हैं, जिनको खुद को भी नहीं जी मालूम है उनको कोविड है और दूसरों को भी ओके नहीं मालूम है। तो आज के समय में सबके लिए ऐसे जी सोचना चाहिए कि हर इंसान पोटेंशियली कोविड पॉजिटिव है, इन्फेक्टिव हो ओके सकता है, और उससे ठीक छः है फीट की दूरी बना के रखिए, वो भी मास्क पहने, आप भी मास्क पहने। ओके ठीक है अच्छा तो डॉक्टर साहब एक चीज मैं मेरी बिल्कुल बात और समझ में आई कि मैं नहीं सब? बिल्कुल बिल्कुल आई कि मतलब हमें यही मानना चाहिए कि सबको ही कोविड है और उसी हिसाब से अपनी लाइफ को डिस्टेंस के साथ जीना चाहिए। हाँ, और जो पॉजिटिव आ गया वो तो आइसोलेट हो, आइसोलेट वो बिल्कुल किसी से नहीं मिले। जी ठीक है डॉक्टर साहब एक चीज मैं जानना चाहूंगी कि हमें कब जाना चाहिए हॉस्पिटल, कि हमें ऐसा कब लगना चाहिए कि नहीं जैसे खांसी आ रही है, हल्का सा कफ आ रहा है या फीवर आ रहा है, तो किस समय ऐसा लगना चाहिए कि अब हमें जरूरत है हॉस्पिटल की? ये भी बहुत अहम सवाल है और इस चीज़ की बहुत इम्पोर्टेंस है जो सवाल आपने पूछा है। अब जी हॉस्पिटल जाने के दो कारण हो सकते हैं, एक तो आपको ऐसा जी लग रहा हो कि आपको कोविड हो गया और आपको भर्ती होना पड़ेगा, और दूसरा कारण ये है कि आप पक्का करना चाहती हैं आपको कोविड है या नहीं है, जी आपको और कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं है, खाली खांसी जुकाम बुखार है, और आज के समय में जिसको खांसी जुकाम बुखार है उसको कोविड हो सकता है। ठीक है तो जिसको सांस फूल रहा है, जिसको सांस लेने में तकलीफ है, जिसको ऑक्सीजन की कमी आ गई है, उसी को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है, ओके ठीक है और जिसको सांस की तकलीफ नहीं है और ऑक्सीजन की कमी नहीं है, अपना जीवन आराम से
चल रहा है, बोलने में दिक्कत नहीं है, सांस लेने में दिक्कत नहीं है, अपना काम करने में दिक्कत नहीं है, उसको फीवर हो, खांसी हो और कोई तकलीफ हो तो भी उसको अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत नहीं। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है। और कोविड अब मेरा इसलिए ये, कराना है कि दूसरों को बचा सकें, अपने आप को आइसोलेट कर सकें। ओके ठीक है, एक बात मैं और जानना चाहती हूँ डॉक्टर साहब, एक बहुत ही स्टीम लेना, जो कि घर घर में लोग स्टीम ले रहे हैं इस वक्त, जिनको कोविड नहीं हुआ है वो भी ले रहे हैं प्रिकॉशनरी, और जिनको हो गया है वो भी ले रहे हैं, तो ये कहाँ तक सही है, हमें स्टीम लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और किस तरह लेनी चाहिए? अब आप मुझे ये बताइए कि सबसे पहले लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। एक होता है मिलियन डॉलर क्वेश्चन, एक होता है बिलियन डॉलर क्वेश्चन। आपका ये जो सवाल है ये ट्रिलियन ट्रिलियन डॉलर क्वेश्चन है। तो देखिए कि हम एक होता है एजीपी, एरोसोल जनरेटिंग प्रोसीजर। एरोसोल होता है जो स्टीम के छोटे छोटे कण जो पैदा होते हैं स्टीमिंग से। हाँ जब आप एक पेशेंट को या टू बी पेशेंट को स्टीम देंगे तो वो छोटे छोटे कण जिनको हम एरोसोल कहते हैं, पानी की छोटी छोटी बूंदें, माइन्यूटेस्ट जी हाँ डॉक्टर साहब आपकी साइज आवाज़ नहीं आ रही है। हाँ 2 माइक्रोन 3 माइक्रोन ऐसे होती है, ठीक है तो वो प्रोड्यूस होती हैं। यदि आप इन्फेक्टेड हो, जो आदमी स्टीम ले रहा है, तो वो वायरस को लेके पूरे वातावरण में फैल जाएगी। ओके अच्छा तो इसको कहते हैं हम एरोसोल जेनरेटिंग प्रोसीजर। और एरोसोल जेनरेटिंग प्रोसीजर आज के माहौल में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अच्छा ये बैन होना चाहिए। ठीक है आपके पेशेंट के लिए हो सकता है थोड़ा सा रिलीफ मिले, लेकिन आसपास के लोगों के लिए बड़ा खतरनाक हो सकता है, ओके तो क्योंकि इससे यानी कि वायरस डॉक्टर साहब फैलेगा। हमें, तो हमें स्टीम नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल, यदि आपको कोविड पॉजिटिव है या कोविड पॉजिटिव होने का स्ट्रॉन्ग सस्पिशन है तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। हालांकि आयुर्वेद में और हम आम भाषा में और आम जीवन में स्टीमिंग को बहुत रिकमेंड करते हैं, लेकिन कोरोना काल में ये एकदम मना होना चाहिए। इसको कहते हैं एजीपी, एरोसोल जेनरेटिंग प्रोसीजर। सो ओके ठीक ऑल है एरोसोल जेनरेटिंग प्रोसीजर्स शुड बी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड और बैंड, नहीं होना चाहिए। ओके और जब आप स्टीम लोगे तो खांसोगे भी जरूर थोड़ा थोड़ा। हाँ एग्जैक्टली उस वक्त तो खांसी आती है, नॉर्मली भी आती है, अगर आप पॉजिटिव नहीं है और आप स्टीम ले रहे हैं तो खांसी उस वक्त आती है डॉक्टर साहब। और खांसी से आप अपना एरोसोल कितनी दूर तक फेंकोगे? अब एग्जैक्टली बिल्कुल सही कह रहे हैं। कई बार लोग कहते हैं कि मेरा तो कमरा बंद है, मेरी विंडोज भी बंद है, एरोसोल को सारी दुनिया में फैलने के लिए दरवाजों की जरूरत नहीं है, खिड़कियों की जरूरत नहीं है, वो अपना रास्ता निकाल लेता है। उसको चाबी ओके का की होल भी उसके लिए बहुत है। अच्छा तो नो एरोसोल जनरेटिंग प्रोसीजर, दैट मीन्स नो स्टीम इनहेलेशन। ओके ठीक है। डॉक्टर साहब मेरे को एक चीज़ और पूछनी है, जो नॉर्मल जैसे घर में सब्जी आ ही रही है वो लॉकडाउन के टाइम से ही आ रही है, ग्रोसरी का सामान आ रहा है घर में, और भी खाने पीने की चीज़ें घर में आती हैं, तो लोग जी सब्जी जब लाते हैं तो कुछ लोग पूरा पूरा दिन जो सब्जियां होती हैं वो बाहर गाड़ी में छोड़ देते हैं या धूप में छोड़ देते हैं, या उन्हें लाके बहुत अच्छे पहले वॉश करते रहेंगे बहुत देर तक और फिर उन्हें घर के अंदर लेकर आएंगे, तो आप क्या कहेंगे कि हमें क्या करना चाहिए? नहीं, ये एकदम ठीक है। थोड़ी देर आप उसको 6-8 घंटे धूप में रख दीजिए, अच्छी तरह अच्छा गर्म पानी से वॉश कर दीजिए और फिर अच्छा उसको ठीक काम में है, लीजिए। यानी कि उसको गर्म पानी से वॉश करना चाहिए। बिल्कुल, वो तो आम जीवन में भी करना चाहिए, अच्छा तो गर्म यानी पानी कि जब हम से। घर सब्जी, जी जब हम सब्जी खरीद के लाएं तो सबसे पहले उसको गर्म पानी में सारी सब्जियों को वॉश करें,
और उनको जब पानी वानी सब सूख जाए उसके बाद उसको बकेट में फिल करके रखें। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब्जी पे करीब 6 घंटे से ज्यादा नहीं सरवाइव करता वायरस। अच्छा, किसी भी जगह 6 घंटे तक नहीं अगर नहीं अगर सब्जी नहीं पे, रख, सब्जी पे। अच्छा हाँ अच्छा प्लास्टिक पे ये 1.5 2 दिन भी जमा रह सकता है। अच्छा ऐसा भी है, यानी कि प्लास्टिक की जो थैलियां हैं उन पे ज्यादा देर तक ही रहता है। जितना सस्ता सरफेस है उतना ही स्टे ज्यादा है उसके ऊपर, जितना प्रेशियस मेटल है उसके ऊपर उतना ही कम स्टे है। ओके, एक कमेंट पेपर। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगी कि जब हम लोग नेगेटिव आ जाते हैं, डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन है यहाँ पे, मैं ले लेती हूँ। जी स्टूडेंट वी कंज्यूम स्टीम फूड प्रोडक्ट्स टू, जो स्टीम फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, एक सेकंड डॉक्टर साहब, ठीक है मैं एक बार कंटिन्यू करती हूँ। डॉक्टर साहब, जैसे कि हमें सांस नेगेटिव हो चुके हैं लेकिन अभी सांस बहुत भर रही है, खांसी बहुत आ रही है, और हम जब थोड़ा सा भी चलते हैं तो चलते समय भी ऐसा लगता है कि हम ज़्यादा नहीं चल पा रहे हैं, फ़ोन पे अगर हम बात कर रहे हैं तो हम ज़्यादा देर बात नहीं कर पा रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो नेगेटिव होने के बाद और हम घर आ चुके हैं तो हमें क्या करना चाहिए, आप क्या सजेस्ट करेंगे कि कोई मेडिसिन लेनी चाहिए या हमें किस तरीके की लाइफ स्टाइल अपनाना चाहिए ताकि इन चीज़ों से हम बहुत जल्दी निजात पा लें। बहुत चुन चुन के सवाल लाई हो आप नहीं, तो। डॉक्टर साहब ऐसा हो रहा है, एक्चुअली ऐसा हो हाँ रहा नहीं है। नहीं लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ज़रूरत के सवाल हैं जिनकी बहुत इम्पोर्टेंस है। तो देखिए मैं फिर इस बात के ऊपर जोर दे रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कोविड पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। फॉल्स जी नेगेटिव आने की इंसिडेंस भी लगभग 30% से ज़्यादा है, फॉल्स पॉजिटिव नहीं होता। अच्छा अब बाकी टेस्ट सीटी स्कैन करवा रहे हैं, जिसको देखो वो सीटी स्कैन आज भी करवा रहा है, कल भी करवा रहा है, परसों भी करवा रहा है। आज मेरा स्कोर 20 आ गया, कल 8 आ गया, कल परसों 12 आ गया, सो एंड सो फोर्थ, यू नो। और एंड देर आर नंबर ऑफ अदर पैरामीटर्स, सब इन्वेस्टिगेशंस करा रहे हैं। और आज मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि सारी जो नेशनल लेबोरेटरीज हैं, 3-4 जो बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज हैं, उनका बिजनेस 3-4 गुना बढ़ गया है। जी ये इसलिए कि सेल्फ इन्वेस्टिगेशंस हो रहे हैं, सारे पेशेंट्स सारे लोग अपने आप अपनी जांचें करवा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि पेशेंट को क्या है वो इम्पोर्टेंट है, इन्वेस्टिगेशन की क्या रिपोर्ट है ये इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी। डॉक्टर्स नेवर ट्रीट रिपोर्ट्स, डॉक्टर्स ओनली ट्रीट द पेशेंट सिम्टम्स, पेशेंट्स डिजीज। अब मान लीजिए आपको सांस की तकलीफ है और रिपोर्ट नेगेटिव है तो क्या आपका इलाज नहीं होगा? बिल्कुल वन एग्जैक्टली तो ये बड़ी समझने हमें की किसी बात नॉर्मल है, जो यही मैं जो समझाने हमें की। नॉर्मल जो हमें जी तो जैसे डॉक्टर साहब, जो हम खांसी का ट्रीटमेंट लेते हैं या तो हमें वही लेना चाहिए, या हमें तो जैसे जो सांस नहीं आ रही है तो उसके लिए हमें कोई योग का मैं सहारा यही लेना कह रहा हूं चाहिए। कि जिसको जिसको सांस की तकलीफ है उसको अस्पताल में होना चाहिए, अच्छा, यदि वो अगर सपोज नेगेटिव भी अगर है तो। जो अच्छा ठीक है, अगर जैसे मान अस्पताल का लीजिए ये कि हम क्राइटेरिया नहीं हो सकता है कि आप नेगेटिव हो गए तो आपको घर भेज दें, ओके और आप यदि पॉजिटिव है और आपको कुछ नहीं है तो आप उनको घर भेजिए। ठीक है, मैं समझा पा रहा हूं आपको? मैं इज दैट ओके, इज एवरी हाँ बड़ी बिल्कुल एबल टू बिल्कुल अंडरस्टैंड? डॉक्टर साहब, तो पेशेंट का लाइक हमें सिम्टोमेटिक होना इम्पोर्टेंट है, टेस्ट का पॉजिटिव आना नेगेटिव आना कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। और ये जो बार बार लोग टेस्ट करा रहे हैं, सीटी स्कैन ब्लड टेस्ट, इनकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ओके एक अच्छा बार डायग्नोसिस हो गया दैट इज इनफ,
और बाद में यदि जरूरत है, पेशेंट को कुछ तकलीफ हो रही है तो कुछ टेस्ट कराने की जरूरत है, वो भी बेयर मिनिमल टेस्ट। उन्हीं पेशेंट्स के बार बार होते हैं जो हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं ओके ठीक और जिनकी है रिकवरी थोड़ा डिफिकल्ट हो रही है। ओके तो मेरी सलाह ये है कि कृपा करके बार बार टेस्ट मत कराइए, बार बार सीटी स्कैन मत कराइए, बिना काम सीटी स्कैन मत कराइए। आप रेडिएशन की डोज ले रहे हैं जिनसे कैंसर हो सकता है, जिनसे और बीमारियां हो सकती हैं। जी रेडिएशन बहुत खराब है ओके शरीर के लिए। और डॉक्टर साहब यहाँ पे शरद खंडेलवाल जी हो पूछ रहे हैं कि कोविड पॉजिटिव होने के बाद ट्रीटमेंट लिया और 2 बार रिपोर्ट है इनकी जो नेगेटिव आ गई है लेकिन करीब एक पॉजिटिव आने के 20 दिन बाद जो इनके टेस्ट है जो स्वाद है वो अभी तक नहीं आ रहा। क्या दोबारा इन्हें कोविड टेस्ट करवाना चाहिए? तो अब आप इसके लिए क्या बोलेंगे डॉक्टर साहब? और जो देखिए इन्होंने मैं एंटीबॉडी टेस्ट करवाया है इनका एंटीबॉडी जो टेस्ट है उसमें 10 आया है, एंटीबॉडीज जो डेवलप हुई है इनकी वो 10 आई है। तो अब आप क्या सजेस्ट करेंगे? अब देखिए कि शरद जी ने बहुत अच्छा सवाल किया है और इसका मैं जी पार्शियली जवाब दे भी चुका हूँ कि आप मेहरबानी करके टेस्ट मत कराइए। ओके वन ठीक है नंबर टू, नेगेटिव और पॉजिटिव की इम्पोर्टेंस नहीं है। अच्छा तीसरा, आपको यदि सांस की तकलीफ नहीं है तो आप नहीं रिकवर उनको कर सांस रहे हैं। उनका उनको टेस्ट की सांस की प्रॉब्लम है तकलीफ ना भी खाली? है उनको सांस नहीं, की तकलीफ है डॉक्टर साहब। उन्होंने तो खाली कहा कि मुझे टेस्ट की तकलीफ है, टेस्ट नहीं आ रहा, सांस की हाँ तकलीफ नहीं टेस्ट बता नहीं रहे आ हैं। रहा। शरद जी अभी आपको इस वक्त सांस की जैसे तकलीफ जो थी पहले वो अभी वो तकलीफ है क्या? अगर सपोज सांस की तकलीफ नहीं हो डॉक्टर साहब अगर हम मानते हैं तो तो हाँ, तो आप तसल्ली रखिए, आपकी रिकवरी होने वाली है, टेस्ट भी अच्छा वापस आने वाला है। कई लोगों को दो दो तीन तीन महीने लग रहे हैं टेस्ट वापस आने में। ओके तो आप पेशेंस रखिए, आपकी पूरी रिकवरी होगी। कुछ लोगों को रेसिडुअल तकलीफें रह रही हैं, ये आपकी उम्र के जी ऊपर ही, आपको मोटापा है, आपको डायबिटीज है, आपको कोई और बीमारी है, आप अल्कोहलिक हैं, आप स्मोकर हैं, पान खाते हैं, मसाला खाते हैं, आपकी अच्छा लाइफस्टाइल बड़ी सिडेंटरी है। इन सब चीजों के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंस है। हाँ शरद जी ने बोला है कि उनको सांस की प्रॉब्लम अब तो नहीं है लेकिन हाँ अगर हम इसी पे बात करते हैं खान पीन की सपोज अब उनको जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो उन्हें कैसा खाना खाना चाहिए और किस तरीके का फूड वो इंटेक करें ताकि जो उनकी रिकवरी है क्योंकि जो मेडिसिन हम ले रहे हैं वो तो हम ले ही रहे हैं लेकिन उसके साथ हम कैसा खान पान खाएं वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी वेजिटेरियन खाएं, नॉन वेजिटेरियन नहीं अच्छा खाएं। ठीक वन, है मैं ठीक है आपके आपके धर्म का प्रचार कर रहा हूँ, जैन धर्म का प्रचार कर रहा हूँ, ठीक बिल्कुल डॉक्टर है। साहब वन नंबर टू, हल्का खाइए। अच्छा नंबर तीन, खूब फ्रूट्स खाइए, ग्रीन वेजिटेबल्स ओके खाइए, पत्ते वाली सब्जी खाइए, हल्का खाइए, थोड़ा थोड़ा अच्छा बार बार खाइए, खाके जी तुरंत मत सो जाइए, थोड़ा बहुत अच्छा खाने चहलकदमी करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए जी और खूब लिक्विड्स लीजिए। लिक्विड्स ठीक में है खाली खाली अल्कोहल छोड़ दीजिए, बाकी सारे लिक्विड्स ले सकते हैं। अच्छा हमें पानी भी बहुत पीना चाहिए और आई थिंक मुझे लगता है डॉक्टर साहब खाना भी हम लोग 7:30 से लेके 8 के बीच में अपना डिनर कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल, आप एकदम ठीक कह रही हैं। ठीक है तो शरद जी आप यहाँ पे हैं तो 2-3 बातें डॉक्टर साहब ने बताई और आपने मुझसे एक क्वेश्चन और पूछा है डॉक्टर साहब शरद जी का ही एक क्वेश्चन और है ये प्लाज्मा डोनेट करना चाहते हैं लेकिन ये कर सकते हैं क्या क्योंकि इन्होंने अभी अभी बताया कि जिनकी एंटीबॉडीज आई हैं वो 10 आई हैं तो कब कर सकते हैं और आप देखिए, सजेस्ट करिए। हाँ देखिए, ये पूरी रिकवरी के 21 डेज के बाद प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, इनके बहुत अच्छे विचार हैं।
जी और किसी अथोराइज्ड ब्लड बैंक में ही जाके ये प्लाज्मा डोनेट करें जहाँ पे अच्छा, फेरेसिस से प्लाज्मा लेते हों, क्योंकि ये जहाँ गए पूर थे तो इन्हें इन्हें अभी मना कर दिया गया, डॉक्टर हाँ साहब तो ये ये बोल रहे हैं कि 21 गए थे लेकिन डेज नहीं हुए होंगे इनको। नहीं, इनको हो तो 1 महीना गया, नेगेटिव रिपोर्ट आए हुए तकरीबन तकरीबन इनको 25-1 दिन हो चुके हैं, पूरी तो रिकवरी नहीं वो नहीं मान के नहीं चल रहे होंगे, हर ब्लड बैंक अपना खुद का एक प्रोटोकॉल बनाता है वो कब जी लेंगे। अच्छा, ठीक है डॉक्टर साहब, तो अभी थोड़ा सा तो और रुके, वो 5-7 दिन A1 भी तो प्लाज्मा हाँ भी डोनेट कर पाएंगे। बिल्कुल, ठीक है शरद जी, अभी आप थोड़े से दिन और रुक जाइए, अच्छी से रिकवरी एक करिए, बात मैं तभी यहाँ डॉक्टर कहना कहेंगे। चाहूंगा वर्तिका जी, जी प्लाज्मा का जब सवाल चला है तो जी प्लाज्मा कोई बहुत कारगर तरीका नहीं है इलाज का। ओके इस अच्छा प्लाज्मा का कोई ऐसा रिजल्ट नहीं आया है कि प्लाज्मा देना चाहिए, अच्छा देना ही प्लाज्मा नहीं देना चाहिए था। नंबर वन। नंबर टू, प्लाज्मा देने का एक समय होता है, शुरू शुरू में पेशेंट के जब सिम्टम्स शुरू होते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन होता है, तभी प्लाज्मा देने का फायदा है। पेशेंट अच्छा, सीरियस उसके हो बाद जाए नहीं है। उसके बाद नहीं है। नंबर थ्री, प्लाज्मा ओके अच्छा निरोगी पेशेंट का ही देना चाहिए। उसके तमाम दुनिया भर के टेस्ट होते हैं प्लाज्मा के, ये पक्का होना अच्छा चाहिए। तो एक अपने आम भाषा में इस्तेमाल करते हैं ना, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा आठा ने, तो अच्छा ये फायदा तो कुछ गलत होगा है। नहीं। प्लाज्मा का और तमाम दुनिया भर की ब्लड बॉर्न डिजीजेस होती हैं वो ट्रांसफर ओके हो सकती हैं, और कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनका तो पता ही 6-12 महीने बाद चलता है। ठीक है डॉक्टर साहब, एक जो चीज़ मैं पूछना चाहूंगी कि और जब एक बात और मुझे, कहना चाहता हूँ, आपको टोक रहा हूँ, रोक रहा हूँ, हाँ हमारे हमारे नज़र में ऐसे किस्से भी आए हैं जहाँ पे नॉन अच्छा कोविड प्लाज्मा भी मरीजों को दे दिया गया है, ठीक है मरीज खुश रहे। अच्छा ये गलत है, मरीज को पक्का करना चाहिए कि उसको कोविड पेशेंट का प्लाज्मा, कन्वालेसेंट पेशेंट का प्लाज्मा ही दिया जा रहा है, ये पक्का किया जाना चाहिए। ओके ऐसा भी हो रहा है। ऐसा भी हमारे नज़र में आया है। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, तो ये भी ध्यान रखने वाली एक बात है, बहुत अच्छी बात आपने हाँ, बताई है डॉक्टर और साहब। मरीज भी कह देते हैं मेरे को तो कोई बात नहीं, प्लाज्मा तो चढ़ा दो। समझ गई ठीक है। हैं, घी लगी हुई रोटी नहीं है तो कोई बात नहीं, सूखी रोटी दे दो। ठीक है डॉक्टर साहब, तो जो पेशेंट ऐसे हैं वो सुन रहे होंगे तो अब ध्यान रखेंगे वो आपकी बातों जी को सुनने के बाद। जी 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 एक डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब हमें पता लग जाता है कि हमें कोविड हो चुका है, हमारी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, तो लोग इसको बता नहीं रहे हैं, छुपा रहे हैं, और उनको जैसे कि मतलब कोई उन्हें कैसा संक्रमण हो गया है कि बताना ही नहीं है, और उसके अंदर ये तो हो ही रहा है कि वो बता नहीं रहे हैं, साथ में जो उनके परिवार के लोग हैं वो दूसरों के कांटेक्ट में आ रहे हैं। जैसे सपोज अगर मैं पॉजिटिव आ गई हूँ तो जो मेरे साथ रहने वाले जो मेरे घर के लोग हैं वो बाहर भी जा रहे हैं, बाहर का काम भी कर रहे हैं, बाहर से चीज़ें भी ला रहे हैं, तो ये किस हद तक सही है कि मतलब सभी और लोगों को 15 दिन के लिए, जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, क्या सभी को 15 डेज के लिए आइसोलेशन में चले जाना चाहिए, क्वारंटीन हो जाना चाहिए, या सिर्फ उसी पेशेंट को होना चाहिए? आइसोलेशन तो खाली मरीज के जिसको पॉजिटिव आया उसको होना चाहिए, और बाकी लोग, बाकी लोग क्वारंटीन में जाने चाहिए। अच्छा बाकी लोग क्वारंटीन में जाने चाहिए, तो ये भी बोलो, क्योंकि डॉक्टर साहब ये जो और आप कह रहे ये तो हैं समाज के प्रति आपका अपराध है। हाँ, और ये सभी लोग कर रहे हैं। अभी पता है क्या हो रहा है डॉक्टर साहब, जब से अनलॉक हुआ है तो उसके बाद जिन लोगों को पॉजिटिव रिपोर्ट आई है तो वो लोग क्या कर रहे हैं, बाकी फैमिली मेंबर सब जगह जा रहे हैं, सब जगह घूम रहे हैं और बाजार के काम भी कर रहे हैं, और किसी को बता भी नहीं रहे कि हमारे घर में कोई पॉजिटिव है, छुपा रहे हैं कि उनके उनके बिजनेस पे इफेक्ट आ गया। दिस इज अ सोशल क्राइम। बिल्कुल, तो मतलब इस तरीके के दे लोगों को भी सच बहुत, पीपल नीड डिजर्व टू बी बॉयकॉटेड।
बिल्कुल, ऐसे लोगों को तो सोसाइटी से बाहर, क्योंकि इतनी मतलब अगर हम देखें तो डेथ हो रही है लोगों की, और डेथ में भी ये नहीं है डॉक्टर साहब कि यंग डेथ भी हो रही है और जो एक एज के बाद है वो भी हो रही है। डेथ चाहे कैसी भी हो दुखद ही होती है, और उन लोगों को ये नहीं पता होता है कि वो खुद के थोड़े से स्वार्थ के लिए सोसाइटी के लिए कितने हानिकारक हो जाते हैं। यदि और आप ऐसा मुझे अक्सर इजाजत देखें, दें, मुझे इजाजत दें वर्तिका, तो मैं इस मौके पे कुछ बात कह दूं। जी एक मैं कमेंट करना चाहता हूं, जो डेथ हो रही है, जो हाँ सीरियसली बीमार पड़ रहे हैं लोग, जी वो उनकी खुद की करनी है ज्यादातर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, नेग्लिजेंस, ध्यान नहीं देते, नेग्लिजेंस, एग्जैक्टली नेग्लिजेंस है, मास्क का यूज नहीं करते हैं, डिस्टेंसिंग नहीं करते हैं, सैनिटाइजेशन नहीं करते हैं, और जब उनको लगने लगता है तो जैसे आपने कहा छुपाते रहते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, और अस्पताल जब पहुंचते हैं, जब उनको ले जाया जाता है, खुद नहीं जाते। जब उन खुद नहीं जाते, जब उनको ले जाया जाता है। तो आप समझ एग्जैक्टली गई डॉक्टर दोनों साहब, में फर्क? बिल्कुल 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 मैं समझ गई बिल्कुल। एक डॉक्टर साहब, एक चीज मैं और पूछूंगी कि जैसे हमें हल्की खांसी, जैसे ठसका आता है हल्का सा, गले में हल्की सी हरारत, खराश महसूस हो रही हो और हल्का, फिर हमें कब लगना चाहिए कि सिम्टम्स आ गए हैं? मतलब कि एक तो होता है, कुछ लोग ऐसे भी हैं डॉक्टर साहब हमारे ही रिलेटिव में आसपास से मैंने देखे हैं कि उन्होंने अपने आप को इग्नोर किया कि नहीं जुकाम है, ये तो ऐसे ही है, वायरल है, खांसी आई है, ये तो ऐसे ही आ गई है, ये हमें मतलब वो टेस्ट भी नहीं करा रहे हैं, ना उनके घर वाले करा रहे हैं, ना वो लोग करा रहे हैं। हालत ये हो गई कि जब पता चला तो स्टेज मतलब 5-6 दिन हो चुके थे, निमोनिक स्टेज पहुंच गई, कंडीशन सीरियस हो गई, परिवार के सभी जने पॉजिटिव हो गए। तो ये चीज़ करना मतलब कितना गलत है आप बताएं, इस देखिए तरीके की ऐसा सोच की। है, हाँ ये सवाल भी सामाजिक दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, परिवार की दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जिनको देखिए कि करीब करीब 90% मरीजों में बुखार होता है, करीब करीब 50% मरीजों में खांसी होती है। कहते हैं कि यदि नाक बह रहा है तो कोरोना नहीं है, जी मतलब ये एकदम सूखा हो जाता है मुंह, ड्राई ड्राई अच्छा माउथ, ड्राई नोज, ड्राई कॉफ, अच्छा सूखी खांसी, सूखा नाक, सूखा जी गला, अच्छा तो ठीक है दैट इज द बेसिक कैरेक्टर ऑफ दिस इन्फेक्शन। तो ओके इसके ओके अंदर यदि ये सिम्टम्स हैं मरीज को, वो टेस्ट कराए या ना कराए, उसको आप फोर्स तो नहीं कर सकते, लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेस उनको ये मानना चाहिए कि कोविड है उनको। बिना टेस्ट के भी उनको कोविड मान के ही उनके साथ व्यवहार किया जाना चाहिए, उनको दूसरों के साथ वैसे ही व्यवहार करना चाहिए, परिवार को भी वैसे ही व्यवहार करना चाहिए। ठीक है डॉक्टर और साहब, ये अस्पताल जाने का इंडिकेशन है, आपको जरा सी भी सांस की तकलीफ हुई तो जरूर अस्पताल जाइए। अच्छा ठीक है डॉक्टर और साहब, ब्लड के मतलब छोटे छोटे टेस्ट हैं जिनसे हमें ये आइडिया मिल, कोविड की टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, पहले एक छोटे छोटे टेस्ट करा लीजिए, सीबीसी से हमें अंदाज हो जाता है कि इनको कोविड कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, उसके 100 रुपए लगते हैं, अच्छा ठीक और है उससे हमको पता, इनको लिम्फोसाइट्स एक चीज होती है उसके अंदर, सीबीसी के अंदर, वो यदि 20% से कम हैं, वो रूटीन में 35% से ज्यादा होते हैं, 30% से तो ज्यादा होते ही हैं, तो अच्छा यदि 20% से कम हैं, 20% से कम है, तो निश्चित रूप से आपको कोविड की प्रबल संभावना है। ओके ठीक है और ये ठीक है जो डॉक्टर टेस्ट साहब, हो रहे हैं बार बार, अगेन आई वॉन्ट टू रिपीट, इनकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मेरे पास जो मरीजों के फ़ोन आते हैं वो ये नहीं बताते उनको बुखार है, उनको खांसी है, उनको सांस की तकलीफ है, वो बताते हैं मेरा सीटी स्कैन का स्कोर 8 है, मेरे डी डाइमर
80 है, CRP इतना है, वो इतना है, जी इंटरल्यूकिन 6 इतना है। मैंने कहा आपको क्या है, मेरे को तो कुछ नहीं है। अच्छा तो आपको जब कुछ नहीं है तो इन रिपोर्टों का क्या इलाज करें, हम इन रिपोर्टों का इलाज करें? ये बड़ी, बहुत बड़ी समस्या है, और इसको देख के दूसरे लोग भी करवाते हैं फिर। जी डॉक्टर साहब, अब मेरे को एक बात ये पूछनी है कि कोविड का कोई पर्टिकुलर इलाज है? जब हम लोग घर में जब हमें लगता है कि हम घर में अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं, एक रूम में हम आइसोलेट हो चुके हैं, अब हमें वहाँ पर क्या-क्या करना चाहिए कि जैसे सपोज हमें अपने रूटीन में कौन सी चीज़ें अपनानी चाहिए, क्योंकि एक रूम में बंद हो जाते हैं डॉक्टर साहब, सबसे कट जाते हैं, तो फिजिकली तो हम लोग प्रॉब्लम में हैं ही, मेंटल लेवल पे भी उसका बहुत असर आता है, मेंटली भी बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। 15 डेज का एक टाइम निकालना होता है, उसमें आप क्या सजेस्ट करेंगे डॉक्टर साहब, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, किस तरीके की चीज़ें लेनी चाहिए? जो मेडिसिन बाजार में दी जा रही हैं, क्या वो इसी के लिए है या वो कोई भ्रम है हमारा, या हम ऐसे ठीक हो सकते हैं? देखिए, ये जो एक कमरे में बंद होने वाला जो सिस्टम है, ये भी खत्म होना चाहिए। वो कोई, उसने कोई अपराध नहीं किया कि आपने उसको एक कमरे में बंद कर दिया। जी वो मास्क लगा के घर में, वो घर वाले तो पहले उससे एक्सपोज्ड हैं, ओके उनको तो हम मानते ही हैं कि ये एक्सपोज्ड हैं। ओके ये ठीक क्या है है कि मतलब, ये थोड़ी है कि आपने 11:10 के ऊपर उसका टेस्ट कर सैंपल दिया और वो पॉजिटिव आ गया, तो वो 11:10 के पहले जो आप साथ खाना बैठ के खा रहे थे, गपशप कर रहे थे, ताश खेल रहे थे, घर में बैठ के गाड़ी में एक साथ जी घूम रहे थे, तो उस समय कुछ नहीं हुआ। दैट मीन्स यू आर ऑलरेडी एक्सपोज्ड टू दैट फैमिली मेंबर, और आप उस बेचारे को, आप क्योंकि उसका पॉजिटिव आ गया है, आपने उसको एक कमरे में बंद कर दिया, ये जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ओके जिस अच्छा, जिसका तो घर वो बहुत अपने छोटा घर में है, होने के, वो अपने घर में मास्क लगा के घूमे, अच्छा ज्यादा नहीं, लोगों चीजों को टच नहीं करे, अपना खाना अपने एक जगह बैठ के खा ले, डिस्पोजेबल जी में उनको खाना दे दें, सबके साथ नहीं बैठे, सोशलाइज नहीं करे घर वालों के साथ। अच्छा अच्छा ठीक तो है, इसी से डिप्रेशन आता है। अब क्या इसी करना के लिए आता चाहिए, क्या करना चाहिए? खुश रहना चाहिए, खूब लिक्विड्स लेने चाहिए, कोई दवा की जरूरत नहीं है, कोई दवा हेल्प नहीं कर सकती। आयुर्वेद की दवाइयों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर है, लेकिन मेरे दादाजी जी भी लेते थे, मेरे परदादाजी भी लेते थे, च्यवनप्राश और ये तमाम दुनिया भर की आयुर्वेदिक, तो मैं समझता हूँ अच्छी है, हमारा एक ठीक है ये डॉक्टर साहब, विरासत है, तो मैं इसको सपोर्ट करता हूँ, ये सब लीजिए, लेकिन कोई दवा कारगर नहीं है। मैं फिर जोर देके कह रहा हूँ कि घर पे कोई भी दवा कारगर नहीं है, जो तमाम दुनिया भर के पर्चे लिखे जा रहे हैं या दिए जा रहे हैं या दवाइयाँ ली जा रही हैं, ये एकदम कारगर नहीं है। ओके ठीक मेरे है डॉक्टर डॉक्टर साथी साहब यदि कोई सुन रहे हैं तो वो मुझे माफ जी करेंगे, मेरी उनसे अपील जी है, उनसे मेरी उनसे अपील है कि कृपया कर ऐसी दवाइयां नहीं लिखें, ये कारगर नहीं बिल्कुल है। डॉक्टर साहब, उनसे खाली दवाई बनाने वाले और बेचने वालों को फायदा है, मरीज को कोई फायदा नहीं है। अच्छा शरद जी ने अगला क्वेश्चन पूछा है कि परिवार के 2-3 सदस्य कोरोना पॉजिटिव हैं, क्या वे साथ रह सकते हैं डॉक्टर साहब? मतलब क्या बिल्कुल जैसे रहिए, कि अच्छा उनका सिर्फ डोर है, वो डोर हम लोग खोल सकते हैं आराम से, उनको देख सकते हैं कि वो लोग क्या बिल्कुल। कर रहे हैं, ठीक है छह फिट की ओके डिस्टेंस रखिए, 6 फिट की डिस्टेंस रखिए, मास्क लगा के रखिए, कोई चीजों को अच्छा छूए मत, उनके कपड़े अलग जी रख दीजिए, वॉश करवा दीजिए ठीक या है इकट्ठे कर लीजिए, ओके ठीक या वो उनका है अटैच टॉयलेट है तो वो अपना अंदर धो लेंगे, हाँ जी तो ठीक है उनको प्रिजनर मत बनाइए आप, अच्छा, ये गलत है। तो आप अच्छा ठीक है
और म्यूजिक चलाइए, बात करिए, गपशप मारिए, थोड़ा जोर जोर से बात करिए आपस में, कीप हिम कनेक्टेड। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छी बात बताई है कि हम 6 फीट के डिस्टेंस के साथ उनसे हम रूबरू हो सकते हैं, बात कर सकते हैं, उनसे देख सकते हैं। सिर्फ ये है कि वो अपने कपड़े हैं, जो उनके बर्तन हैं, जो उनकी पर्सनल चीज़ें हैं, उनको कोई ना छुए, जो वो यूज़ कर रहे हैं वो एक अलग ही रहे। और तो उन बस इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए, बाकी उनको एक जो मॉरल सपोर्ट है परिवार से वो मिलता रहना चाहिए। मोरल सपोर्ट बहुत जरूरी है, और मैंने ऐसे इंस्टांसेस देखे हैं जिसमें घर वाले अपने रिश्ते पिताजी को अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद घर लाने को तैयार नहीं थे कि अच्छा, डॉक्टर साहब अभी 5 दिन और रख लीजिए, इनको नेगेटिव हो गए तो कोई बात नहीं, 5 दिन और रख लीजिए आप तो। मतलब ये हालत हो जाती है, बताइए डॉक्टर साहब कितनी गलत बात है। हाँ, तो ये समाज है तो इनको सबको सीखना चाहिए इन बातों को। अपने आप को वहां रखिए और फिर समझिए बात को। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात जानना चाहूंगी जो सभी जानना चाहेंगे कि कोविड के साथ हमें अब कब तक रहना है डॉक्टर साहब, क्योंकि वैसे कोविड है, वायरस है ये, तो जो वायरस आया वो लौट कर नहीं गया, लेकिन कहीं ना कहीं से उसका एक इलाज हमें मिला ताकि हम एक नॉर्मल लाइफ जी सकें। और उससे पहले मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी, बहुत ज़रूरी है कि इस समय लोगों के घर में मैरिजेस हो रही हैं, सोशल गेट टुगेदर लोग कर रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट ने इजाज़त दे दी कि 50 जनों को बुला लो, 100 जनों को बुला लो, तो उसके साथ हम लोग पारिवारिक कोई भी गेट टुगेदर है कर सकते हैं। तो शादी, इस तरह की गेट टुगेदर ये करने चाहिए डॉक्टर साहब, नहीं करने चाहिए? क्योंकि ये क्वेश्चन में एकदम इंस्टेंट आया, इसलिए मैंने पूछा आपसे। बहुत अच्छा सवाल है एक्चुअली, आपने जी जो पता नहीं रिसर्च करके आई हैं आप, और खूब अच्छे अच्छे सवाल बिल्कुल पूछ डॉक्टर रही साहब, हैं। अभी दिवाली दिवाली आ रही है, सावे आ रहे हैं, हाँ तो लोग शादी की तैयारियां कर रहे हैं, शॉपिंग चल रही है, तो मैं ये भी नहीं चाहती कि तैयारियां ना करें, लेकिन डर बहुत है, तो प्लीज आप सजेस्ट करिए। देखिए, ऐसा है कि शॉपिंग भी करिए और शादी भी करिए, अच्छा ठीक है, लेकिन ना किसी को बुलाइए ना किसी को आने दीजिए। पंडित, अच्छा दूल्हा दुल्हन और जितने कम बाकी लोग हों, कम से कम, मतलब ये है कि खुशी खुश, बाकी सब जूम पे, अच्छा बाकी सब जूम पे, बाकी वाह सब जूम पे, डांस भी जूम पे, खाना पीना भी जूम पे, पेमेंट कोई भी अच्छा करे ये अलग बात है, लेकिन शादी मत रोकिए, जश्न मनाइए, ठीक है। दूर से देखिए। डॉक्टर साहब ये बहुत अच्छी बात बोली है कि खुशी खुशी में ही रहे, वो कहीं बिल्कुल गम में तब्दील ना हो, जैसा कि आपने बिल्कुल मुझे कहा, तो उस चीज का हम ध्यान रखें। सिर्फ जो लड़के के पेरेंट्स, जो दोनों पक्षों के जो क्लोज ब्लड रिलेशन के जो लोग होते हैं, बहुत अच्छा ये सजेस्ट किया। जितने कम से कम लोग, इसको ऐसे ही कहा जा सकता है, 50 की गिनती पूरी करने की जरूरत नहीं है। जी तो आप दूल्हा दुल्हन की सेवा करिए, उनको अपना मनाने दीजिए, शादी घूमने जाने दीजिए, जैसे भी वो रहना जी चाहते हैं वैसे रहने दीजिए। तो ठीक है, डोंट स्टॉप दैट, देर इज नो नीड टू स्टॉप दैट। मतलब डॉक्टर साहब गवर्नमेंट ने परमिशन 50 की दी है, लेकिन ये नहीं कि हम 50 को बुला लें, देखिए, हमें 50 गर से भी कम लोगों के साथ ही उस फंक्शन बिल्कुल को करना है, सिर्फ गिने चुने लोग जो घर के खास हैं वो ही वहाँ पे मौजूद रहें। ठीक है डॉक्टर बिल्कुल साहब, अब जो मैं क्वेश्चन पूछ रही थी वो यही था कि अब इस वायरस के साथ कब तक हमें जीना है डॉक्टर साहब, मतलब आपको क्या लगता है कि जब कब तक वायरस तक, है जब तक वायरस है तब प्रेसिडेंट ट्रंप ने 5 दिन पहले ये सवाल पूछा, अच्छा वहां के जो मेडिकल एडवाइजर हैं डॉक्टर फॉसी, अच्छा जो ठीक जो है, अमेरिकन सरकार को कोविड के अंदर राय दे रहे हैं, जी तो जिसको बाकी दुनिया भी फॉलो करती है थोड़ा थोड़ा, कि भाई ये अच्छा कब तक ठीक चलेगा, है, ऐसे तो कब तक चलेगा, हाँ जी सो नोबडी हैज आंसर टू दिस।
सारी दुनिया जूझ रही है, हाँ जी और अच्छी बात ये है कि खराब बात तो ये है कि ये बहुत इन्फेक्शियस वायरस है। हाँ अच्छी बात ये है कि डेथ रेट बहुत कम है। यही डॉक्टर साहब एक प्लस पॉइंट है कि लोग ठीक हो रहे हैं और नेगेटिव रिपोर्ट आ रही है लोगों की, बस उसके बाद जो थोड़े कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं वो थोड़ी परेशानी वाली बात है कि घर आने के बाद भी अगर खांसी नहीं जाती है या हमें प्रॉब्लम रहती है कि फिजिकली कोई और प्रॉब्लम रहती है, तो थोड़ा सा वहाँ पे भी मैंने देखा है कि नेगेटिव आने के बाद घर आने के बाद जो डेथ परसेंटेज है डॉक्टर साहब वो हो रही है, तो वो एक थोड़ा सा चिंता का विषय है बस कि ऐसा देखिए, क्यों हो जाता है कि हिंदुस्तान में डेथ रेट जो है less than 1% है। बाहर डेथ रेट इट इज एज हाई एज 7% ओके okay. कई देशों में। ठीक है, ठीक है, तो तो मुझे ये लगता इसे है जी जी बोलिए। डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि जो हमारा खान पान है, जो भारतीय परंपरा का जो एक खान पान रहा है वो ऐसा रहा है कि जो मसाले हैं वो अपने आप में ही जड़ी बूटियों का काम जिन्होंने किया है, तो आई थिंक उनका एक बहुत ही मेजर रोल रहा है इस चीज़ के अंदर। एकदम आपने बहुत अच्छी बात कही है। जो और दूसरी जो बात है कि इंडिया इज अ यंग कंट्री, हमारे जी 70% लोग 50 के नीचे हैं, और यूरोपियन कंट्रीज में 70% लोग 60 के ऊपर हैं। जी तो ये जो डेमोग्राफिक डिफरेंस है, इसका बड़ा फर्क पड़ता है। हमारा एवरेज वेट है 61, 62, जी उनका एवरेज हाँ वेट है 79, 80, 79 और 82 के बीच में। ये भी माइनस पॉइंट है उनका। तो ये वो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक हैं। अच्छा तो ये कुछ कारण है जिसके कारण हम बचे हुए हैं। जी ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा आपके साथ जुड़ के, लेकिन एक थोड़ा सा दुख रहा मुझे कि 2-3 बार प्रॉब्लम रही, लेकिन ये जो आज प्रॉब्लम आई है कि नहीं आप मुझे नहीं दिख रहे, लोगों को नहीं दिख रहे, ये फर्स्ट टाइम हुई है। नहीं नहीं हमारा और हमारा दिखना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारी तो आवाज़ ही इम्पोर्टेंट है इसमें। दिखना तो आपका है, हंसता हुआ सुंदर चेहरा यदि लोगों को देखे तो लोग बने रहते हैं साथ में, है? तो नहीं डॉक्टर साहब खैर आप मेरी तो आवाज़ चली गई, ये लोगों तक पहुंच गई, जो मैसेज है वो पहुंच गया। नहीं बिल्कुल डॉक्टर साहब, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप कनेक्ट हुए दवर्तिका शो पे, आना आपने पसंद नहीं, किया और इतनी अच्छी बातें आपने बताई लोगों को। मैं ज़रूर से चाहूँगी डॉक्टर साहब फिर कभी मौका लगा तो हम लोग फिर इसी सेशन को कुछ आगे कैरी करते हुए फिर जुड़ेंगे एक बार, ताकि उस दिन आप भी दिख सके और मैं भी दिख सकूँ लोगों नहीं, को। जरूर जरूर, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और आपने बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछे और बहुत अच्छी तरह पूछे, और अब मुझे लग रहा है कि आप वाकई आर्टिस्ट हैं, अच्छा और तो आपने हर चीज़ को बड़ा हंस हंस के और अच्छे से माहौल को अच्छा बनाए रखा। तो ये इससे कार्यक्रम प्रोग्राम अच्छा हो जाता है, रिजल्ट अच्छा रहता है, लोग बंधे रहते हैं। नहीं तो जी ये डॉक्टर जो साहब सारी बातें होती हैं वो तो बहुत नीरस होती हैं। हाँ नहीं, लेकिन आपने भी बहुत लाइवली इसको लिया डॉक्टर साहब सेशन को, और मैं यही कहूंगी कि आपने इतनी देर तक समय दिया हम सब लोगों को, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू थैंक यू। सो मैं मच। पहली बार फेसबुक पे लाइव होके, मुझे एक नया एक्सपीरियंस है, मैं कभी फेसबुक पे जी लाइव हुआ है। अच्छा थैंक ठीक है यू डॉक्टर सो साहब, मच, चलिए थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू गुड टू नाइट, योर ऑडियंस फॉर पार्टिसिपेटिंग। थैंक थैंक यू गुड नाइट, आप भी यू, अपना गुड ध्यान नाइट, थैंक रखिएगा। यू, बाय ओके ओके बाय। बाय बाय।